फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं आप लोग का वेलकम फिर से किचन में ही कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी, मुंबई की स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। तो ये रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी चीज मिस आउट ना करें। तो चलिए बिगिन करते हैं बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। तो चलिए फटफट बनाते हैं पाव भाजी और इसके मजे लेते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। मैं इसको कूट के बनाऊँगी क्योंकि उसका फ्लेवर ही अलग आता है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं और या तो अगर आपके पास में रेडीमेड पैकेट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 हरी मिर्ची और 5 लहसुन की कलियाँ और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदरक के टुकड़े और इनका अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी। मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है मैंने। तो अभी अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बन चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया ये चॉपर। ये चॉपर बड़ा ही कमाल का है। अगर आपको कुछ भी बारीक बारीक चॉप करना है तो आपको मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी हैंड ग्राइंडर से बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाता है। मैंने इंडिया में ये प्रेस्टिज का ऑर्डर किया था घर पर, तो 2 ईयर्स हो गए बट स्टिल इट्स द सेम एंड वो काफ़ी अच्छा चलता है। सो यू कैन ट्राई इट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 जन के लिए पाव भाजी बना रही हूँ। तो मैंने कुछ 2 टमाटर ले लिए हैं, इसको मैं बस चॉप कर लूँगी। और बस इसको 6 से 7 बार करेंगे, उतने में ही ये बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बन जाता है। पाव भाजी के लिए हमें एकदम फाइन पेस्ट करना है। तो मैंने इसको एकदम, देख सकते हैं आप कितना अच्छा फाइन हो गया ये चॉप। तो अब हम साथ साथ में बनाते भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, गैस ऑन कर देती हूँ और इसमें अब हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल और 1 टेबल स्पून जितना बटर। ऑयल और बटर अगर आप मिक्स करके पाव भाजी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 टेबल स्पून जितना बटर ले लिया और 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पर। अब ऑयल और बटर अच्छे से गर्म हो गया है तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा और जो हमने ये अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाया है इसको भी हम ऐड कर देते हैं। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दिया है। अब हम मसाले जो हैं जैसे हल्दी और मिर्ची, उसको मैं तेल में ही डाल दूंगी। उससे क्या होता है, कलर बहुत ही अच्छा आता है। सॉरी, 1 टीस्पून जितनी हल्दी ले ली है मैंने और 1 टीस्पून जितनी ही मैंने लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आप कितना तीखा खाते हैं और कौन सा रेड मिर्ची पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची और तीखी लाल मिर्ची मिक्स करके यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो 1 टीस्पून जितनी ली है। अब ये जो हमने टमाटर का फाइन पेस्ट किया था इसको भी ऐड कर देते हैं और एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। और बस अच्छा सा मिक्स देने के बाद में इसको अभी मैं ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे। अब जब तक हमारी टमाटर की ग्रेवी पक रही है तब तक हम चॉपिंग भी करते जाते हैं। यहाँ पे आप छोटा वाला एक प्याज ले लीजिए या इसको भी मैं उसी तरह से फाइन चॉप कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना फाइन पेस्ट है। अब इसको भी हम ये ग्रेवी में ऐड कर देंगे। देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और ऑयल भी ऊपर आ गया, यानी टमाटर हमारे पक गए हैं अच्छे से। तो बस मैं ऑनियन भी ऐड कर देती हूँ, इसको मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला भी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करके उसी तरह से हम ढक कर पका लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्ची ले ली है, इसको भी मैं वैसे ही एकदम बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। इसको भी हम क्यूब्स में काट लेते हैं। बस इसमें क्यूब्स में काटिए, डालिए और बस घुमा दीजिए, हो गए बारीक से चॉप। अब बस जो ये शिमला मिर्ची हमने चॉप की है हम इसको भी ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना मस्त आया है। ऑनियन और टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है, यानी वो काफ़ी अच्छे से पक गए हैं टमाटर और कांदा। तो बस अभी हमने ये शिमला मिर्ची चॉप की है, इसको भी ऐड कर देते हैं। सो अभी और कुछ चॉप नहीं करना है हमें, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद में ये जो 2 आलू मैंने बॉईल करके रखे थे उसको मैं इसी में मैश कर देती हूँ। आप चाहे तो बारीक बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे आलू को मैश कर रही हूँ।
सो ये आलू सारे मैश हो गए हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये फ्रोज़न मटर ले लिए हैं, इनको भी मैं ऐड कर देती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लुकवॉर्म वाटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें नमक डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सेजवान चटनी। ये इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो ये सेजवान चटनी भी ऐड कर देते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है पाव भाजी में। अगर आप तीखा खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको ऐड ना करें और अलग से सर्व कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे इसी में ऐड कर दे रही हूँ और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी ऐड कर देंगे। थोड़ा हमने पहले ऐड कर दिया था और थोड़ा अभी ऐड कर देंगे। बस इसको एक अच्छा सा मिक्स देकर पानी अब अपने हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखें क्योंकि इसको 10 मिनट और भी पकाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है कि 10 मिनट्स बॉयल होने के बाद में वो एक अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ जाए और सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से पक जाए और मसाले भी पक जाए। सब्ज़ियाँ तो ऑलमोस्ट पक ही गई है, बस मसाले पकने चाहिए अच्छे से। तो बस इसको मैं ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी मीडियम स्लो फ्लेम पे। सो बस हमारी भाजी रेडी हो गई है, मैंने उसको साइड में रख दिया है। तब तक मैं आपसे सेक लेती हूँ ब्रेड। आज यहाँ पे एक्चुअली पाव नहीं मिली तो हम ब्रेड भाजी खाने वाले हैं पाव भाजी की जगह। तो बस ब्रेड को अच्छे से सेक लेते हैं और पाव भाजी सर्व कर लेते हैं। अब जब तक हमारी पाव सीख रही है वहाँ, यहाँ पे मैं पाव भाजी को सर्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं भाजी का कलर कितना टेस्टी और कितना मस्त आया है। बस इसको सर्व कर लेंगे। इसे अभी हम थोड़े ऑनियन से गार्निश कर देंगे और आप थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाला है, हार्डली, बहुत थोड़ा सा, एक दो बूंद। उसके बाद में अब हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन हिट जरूर करना।